हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग लो। आज की इस क्लास में फ्रेंड्स, मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल के बारे में बताने जा रही हूँ। अक्सर आप लोगों के दिमाग में ये आता होगा कि क्लोनिंग कैसे किया जाता है किसी इमेज पे, तो चलिए आज मैं बताने जा रही हूँ। सपोज मैंने एक ही इमेज दिया है, जब क्लोनिंग की बात आती है तो क्लोनिंग का प्रोसेस ही होता है कि किसी इमेज में अगर आप कई बार ऑब्जेक्ट को एड ऑन करना चाहते हैं अदर अदर जगह पे, तो आप अपने अकॉर्डिंग क्लोनिंग टूल के थ्रू कर सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सपोज क्लोनिंग टूल को पिक करने के लिए आप यहाँ टूल पैनल में जाते हैं और यहाँ इस पे क्लिक करते हैं। ठीक, तो क्लोन स्टैम्प टूल आता है। क्लोन स्टैम्प टूल का शॉर्टकट भी होता है जो कि एस होता है। ओके, यहाँ से ये टूल पिक करते हैं, यानी जिस भी इमेज में जो ऑब्जेक्ट को कॉपी करना चाहते हैं दूसरी जगह एड ऑन करने के लिए, तो आप कॉपी कर लेते हैं। ठीक, ध्यान रहे आपका जो ब्रश होता है वो उसकी साइज उस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग छोटी होनी चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ अल्ट बटन और माउस के लेफ्ट बटन को होल्ड करते हैं। ठीक, और यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद आपको जो भी प्रॉपर जगह पे इस इमेज को ऐड करना होता है वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो सपोज मुझे इसको यहाँ ऐड करना है। ठीक, तो आप इसको स्मूथली धीरे धीरे इस जितनी एरिया में आपने जो ऑब्जेक्ट कॉपी किया है उसको आप कवर करते हुए कॉपी कर लेते हैं। ओके, कॉपी करने का एक तरीका होता है, कोई भी जगह पे आप कॉपी नहीं कर सकते हैं कि जिससे वो इमेज जो है वो डुप्लीकेट शो करे। आपको कॉपी करने के लिए एक प्रॉपर जगह लेना होता है कि आप कहाँ पे कोई इमेज को ऐड करना चाहते हैं। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप सेट कर लेते हैं। ठीक, अब सपोज मुझे यहाँ पर इस फ्लावर को कॉपी करना था। जो इमेज को आपने कॉपी किया है वो इमेज उतना ही दिखे, कोई एक्स्ट्रा चीज यहाँ पर कॉपी ना हो। ओके, अगर एक्स्ट्रा चीज कॉपी हो रही है तो आप यहाँ से अपने ब्रश की जो साइज है उसको स्मॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, जिससे क्या होगा कि इमेज को प्रीसाइज आप कर सकते हैं अपने थ्रू। तो देख रहे हैं, इसको स्लोली स्लोली हैंड से आप ऐड कर लेते हैं। ठीक, ओके, तो अब मैंने ये जो फ्लावर था, इस फ्लावर को मैंने दूसरी जगह पे क्लोनिंग टूल की हेल्प से कॉपी कर लिया। ठीक है, तो मैं एक और इमेज ले लेती हूँ यहाँ से। ठीक है, अब सपोज मैंने ये इमेज ले रखा है, अब इस इमेज पे मैं चाहती हूँ, तो फिर वापस से आप क्लोन स्टैम्प टूल यहाँ से पिक करते हैं। पिक करने के बाद आप यहाँ पे चाहते हैं कि ये जो फ्लावर है ये इस जगह पे हमें चाहिए, तो यहाँ पर आप अल्ट बटन को प्रेस करते हैं और माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करते हैं। ठीक, ये दोनों को प्रेस करने के बाद आप होल्ड करते हैं, कॉपी करते हैं होल्ड करके। कॉपी करने के बाद आप इसी जगह पे एग्जैक्ट जिस पॉइंट पे आप चाहते हैं उसी पॉइंट पे आप जा माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करते हैं। ठीक, क्लिक करके यहाँ पे स्लोली स्लोली इस इमेज की साइज को कॉपी करते हैं। ठीक, इस इमेज को कॉपी करते हैं, और ध्यान रहे कि कॉपी करते वक्त कोई भी जगह डुप्लीकेट ना लगे, वो ओरिजिनल लगे, जैसा आपने पिक ले रखा है, जैसा आपने पिक जिस पिक्चर पे कॉपी किया था वही पिक्चर आपका एज इट इज कहीं दूसरी जगह पे कॉपी हो जाए या ऐड हो जाए। ओके, ये देख रहे हैं, ये स्लोली स्लोली ये पिक्चर को मैंने कॉपी कर लिया है। ठीक है, ज्यादा फास्ट तरीके से कॉपी नहीं करना है पिक्चर को, जिससे कि पिक्चर की क्वालिटी और रियलिस्टिक जो
इमेज है वो उसकी वो बनी रहे, ठीक है। पिक्चर को ऐसा कॉपी करना है दूसरी जगह पे कि वो पिक्चर जैसी एज इट इज हमने कॉपी किया है वही सेम पिक्चर दूसरी जगह पे एड ऑन हो जाए। तो देख रहे हैं ये फ्लावर को मैंने यहाँ पे एड ऑन कर लिया है। अब सेम यहीं पे ये बर्ड देख रहे हैं, इस बर्ड को आप कहीं दूसरी जगह पे ऐड करना चाहते हैं तो उसका भी यही प्रोसेस है। अल्ट बटन को यहाँ से प्रेस करते हैं, माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करते हैं। प्रेस करने के बाद आप यहाँ जहां भी आप चाहते हैं इस बर्ड को ऐड करना वो आप कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक। सपोज मुझे इस जगह पे ऐड करना है इसको, आप ऐसे प्लेस पे उसको ऐड करिए कोई भी ऑब्जेक्ट को जो कि अप्रोप्रिएट लगे, ठीक है। बिल्कुल अप्रोप्रिएटली आपको ऐड करना है जिससे वो इमेज जो है वो रियलिस्टिक लगे। ओके, ये देख रहे हैं इसको मैंने ऐड कर लिया। तो आज की इस क्लास में आप लोगों ने क्लोनिंग टूल के बारे में समझा कि कैसे एक ही इमेज में अदर अदर ऑब्जेक्ट अलग अलग जगह पे एड ऑन किया जाता है, ठीक है, ये प्रोसेस होता है। ओके, तो आज की इस क्लास में बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलती हूँ फिर। थैंक यू सो मच।